जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि भाई छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए फाइनल ईयर का, वो कब आएगा, एग्जाम कब होंगे। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज कमेंट कॉल वगैरह आ रहे थे। फाइनली यहाँ पर जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सभी का टाइम टेबल हम देखने वाले हैं बीएससी बीए बीकॉम बीबीए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आप भाई सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे पहले चैनल इस चैनल पर आपको जो है सूचनाएं मिलती है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कई सारे वीडियो मैंने दिखाया है कि कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। कितने सारे वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो है फाइनल वीडियो रिकॉर्ड होता है, एडिटिंग करते हैं। तो भाई सपोर्ट दिखाएं और 50+ लाइक से ज़्यादा लाइक हमारी वीडियो पर नहीं जाते, तो लाइक वगैरह करो भाई। आपके ही फायदे के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और एडमिट कार्ड के बारे में भी आगे आपको सूचनाएं देने वाले हैं। बाकी रिजल्ट के बारे में भी जो अपडेट आएगा उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और जो भी समस्या होती है उसको हम जो है सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा, आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, हम यूनिवर्सिटी से जो है बात करके आपके लिए जो भी सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन आपके मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल कर देने की फुल कोशिश करेंगे बस। बट आप सपोर्ट भी तो दिखाएं हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ टाइम टेबल की बात करते हैं। तो इससे पहले अभी तक कोई ने यहाँ पर जो है टाइम टेबल यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, फर्स्ट मैं ही अपलोड यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम टेबल मुझे 6/5/2023 को यहाँ पर ही लागू किया गया है राधा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की तरफ से। तो मैं 7 तारीख को यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करूँगा, चूँकि वीडियो मैं बना रहा हूँ 6 तारीख को ही, लेकिन यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं कि मुझे जब सूचनाएं मिले और तभी मैं तुरंत वीडियो बना दूँ। भाई हमें भी काम होता है, इसलिए जो है थोड़ी लेट हो ही जाती है, ठीक है। एक दिन के लेट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए राधा शंकर साहब विश्वविद्यालय के टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो। ये सभी आप सभी आज कम से कम यही कमेंट करेंगे कि आप सब्सक्राइब करके रखा है या नहीं रखा है। देखते हैं कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो सब्सक्राइब किया होगा वो कमेंट करेगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, टेलीग्राम ग्रुप में हम जानकारी दे देते हैं, ठीक है। जब भी टाइम टेबल आता है या जो भी सूचनाएं मिलती है, छोटी मोटी सूचनाएं मिलती है जिनकी हम वीडियो नहीं बना पाते, उसकी सूचनाएं आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दे रखा है, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रश्न है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कमेंट तो आपको करना है कि आप सब्सक्राइब करके रखा है या नहीं रखा है, और देख लेना, शेयर कर देना है आपको वीडियो को सारे दोस्तों को। तो यहाँ पर सभी टाइम टेबल देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। 6 तारीख को सूचना जारी हुआ है, 6/5/2023। विषय यहाँ पर दिया सत्र 2022-23 में वार्षिक पद्धति से आयोजित स्नातक तृतीय वर्ष नियमित भूतपूर्व स्वाध्यायी पूरक परीक्षार्थियों का समय सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ सूचना वगैरह दिया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, चूंकि वही है, उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक नोट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। संबंधित परीक्षा समय सारणी की प्रति राधा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की वेबसाइट www.cuc ये मतलब इससे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वेबसाइट वगैरह पर अभी अपलोड नहीं किया राधा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ने, लेकिन जल्दी अपलोड कर देगा। उससे पहले जो जानकारी है हमारे पास पहुँच जाती तो आप तक पहुँचा देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर टाइम टेबल, अब काफ़ी समय होगा, नहीं तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे फोकट में बकवास कर रहा है। तो राधा शंकर साहब यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, सबसे पहले टाइम टेबल है बीकॉम का, बीकॉम थर्ड ईयर, रेगुलर प्राइवेट सप्लीमेंट्री सभी के लिए भाई, ईएक्स स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम मई 2023, तो 7 AM से 10 AM तक के यहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं, मतलब सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक के आपके एग्जाम चलेंगे। यहाँ बीकॉम का सबसे पहले टाइम टेबल ही है, सभी टाइम टेबल आपको आपको बताएंगे, ठीक है। सभी एग्जाम बाकी 18 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ 18/5/2023 से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होगा। तो 18 तारीख को यहाँ पर जो है एग्जाम की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर पेपर है, 19 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, और 20 की बात करें तो यहाँ मतलब रेगुलर ही यहाँ पर पेपर देखे जा रहे हैं। 1-2 दिन का यहाँ पर गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आईएमपी क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, और जल्द ही आपको जो है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी अपलोड भी हैं आईएमपी प्रश्न, आप जाकर देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो पर 100 लाइक अगर कंप्लीट हो जाता है तो बीकॉम और बीए के भी मैं यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन जल्दी आपको ला दूंगा 5 दिन के अंदर पे। 100 लाइक अगर इस पे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जो है बीकॉम और बीए के भी यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई करा दीजिए और आईएमपी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो यहाँ 3 तारीख की बात करें तो तीसरा 20/5/2023 की बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन थर्ड का यहाँ पर पेपर है। 4 नंबर की बात करें तो 23 तारीख को है, 23/5/2023 को इनकम टैक्स लॉ एंड कैप प्रैक्टिस फर्स्ट पेपर है, और
यहाँ पर आ जाता है 25/5/2023 को, तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग ग्रुप का यहाँ पर पेपर है सेकंड 26 के यहाँ पर, सॉरी 26 नहीं, छठवें नंबर पर है। 27/5/2023 की यहाँ पर बात करें तो मैनेजमेंट ग्रुप फर्स्ट पेपर है, और यहाँ पर सातवां पेपर की यहाँ पर बात करें 30/5/2023 को ये पेपर होगा, जो कि मैनेजमेंट ग्रुप सेकंड का यहाँ पर पेपर होगा 30/5/2023 को। तो इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का टाइम टेबल, इस प्रकार टाइम टेबल है। यहाँ पर आपको ज़्यादा गैप वगैरह नहीं दिया है, तो वही तैयारी, बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। पेपर ये नहीं कि एक दिन पेपर देके आप पास हो जाएं, भाई भाई तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए अच्छी खासी। फिर रिजल्ट तो आपको पता ही है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी रिजल्ट आपको कैसा देता है, तो बहुत खतरनाक रिजल्ट आता है रे बाबा। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक कंप्यूटर, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर। हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज आप इस प्रकार सर्च करते हैं, अगर फाउंडेशन कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के। चलिए यहाँ पर अगले बात करते हैं, आठवें नंबर पर 1/6/2023 को, 1 जून 2023 को यहाँ पर बात करें तो यहाँ पेपर है एप्लीकेशन इकोनॉमिक ग्रुप कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर ये पेपर है, इनके फर्स्ट पेपर यहाँ पर होने वाला है 1/6/2023 को। आप यहाँ पर देख लेना, वीडियो को रोक कर आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी ये टाइम टेबल मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल नाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ग्रुप मिल जाएगा। 3/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेकेंड पेपर है एप्लीकेशन इकोनॉमिक ग्रुप कंप्यूटर एप्लीकेशन और टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन सेल मैनेजमेंट, इसका जो है सेकेंड पेपर होने वाला है 3/6/2023 को। तो ये था बीकॉम थर्ड ईयर का टाइम टेबल, आप देख सकते हैं, और क्वालिटी बढ़ाकर अगर वीडियो साफ साफ नहीं दिख रही तो देख लीजिएगा। अब यहीं पर बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आ जाता है BCA थर्ड ईयर, BCA के यहाँ पर देख लेते हैं, रेगुलर EX सप्लीमेंट्री सभी के लिए है। यहाँ पर भी इनके 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 18, 19, 20, मतलब ये तो रेगुलर पेपर होंगे फाउंडेशन कोर्स के, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर, और चूंकि सभी के सेम ही हैं शुरू के तीन पेपर, चौथे पेपर से यहाँ पर स्टार्ट होता है 23/5/2023 को है। ग्रुप फर्स्ट BCA 301 ग्रुप फर्स्ट का यहाँ पर पेपर है, और पांचवें नंबर की यहाँ पर बात करें तो 25/5/2023 को होगा ग्रुप फर्स्ट BCA 302 सेकेंड कंप्यूटर नेटवर्क कोरिया जावा। 26 नंबर सॉरी 6 नंबर पर आता है, 27 तारीख को पेपर होंगे 27/5/2023 को, ग्रुप सेकेंड BCA 303 फर्स्ट वेब प्रोग्रामिंग MIS, और सातवें नंबर पर है 30/5/2023 को यहाँ पर पेपर होने वाला है ग्रुप सेकेंड BCA 304 सेकेंड पेपर होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पैथन प्रोग्रामिंग क्या प्रोग्रामिंग। अगला यहाँ पर आठवें नंबर की बात करें तो 1/6/2023 को यहाँ पर होने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक ई गवर्नेंस, ठीक है, ग्रुप थर्ड BCA का पेपर होगा 1/6/2023 को। और नौ नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 जून 2023 को यहाँ पर पेपर होने वाला है ग्रुप थर्ड BCA 306 सेकेंड यहाँ पर होगा सेकेंड पेपर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल एंड पार्टीज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था BCA का यहाँ पर टाइम टेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा, बाकी मैं पढ़कर भी आपको बता दिया है। चलिए यहाँ पर BBA की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, सभी के टाइम टेबल यहाँ पर आपको बता रहे हैं, सभी के टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे। BBA की भी बात करें तो यहाँ पर 18, 19, 20 फाउंडेशन सभी के पेपर यहाँ पर सेम ही रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इसमें कोई गैप वगैरह नहीं है, ठीक है, रेगुलर आपके पेपर होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ 100+ अगर लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो BA BCOM इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चौथे नंबर की यहाँ पर बात करें तो 23 तारीख को यहाँ पर पेपर होगा 23/5/2023 को, ग्रुप क्या है 7 23 को यहाँ पर पेपर होगा इंटर्नशिप डेवलपमेंट। पाँचवें नंबर पर आ जाता है 25/5/2023 को होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 27 तारीख की यहाँ पर बात करें 27/5/2023 की तो यहाँ बिजनेस इनरोलमेंट क्या इन्वायरमेंट इनरोलमेंट का यहाँ पर पेपर होने वाला है फर्स्ट पेपर। और सातवें नंबर पर आ जाता है 30/5/2023 को यहाँ पर पेपर होगा आपका बिजनेस लॉ। और आठवें नंबर की यहाँ पर बात करें तो आठवें नंबर 1/6/2023 1 जून 2023 को यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है, किसका पेपर होगा क्या कंज्यूमर बिहेवियर वर्किंग क्या कैपिटल और मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट फर्स्ट पेपर होगा आपका। और यहीं पर 3/6/2023 को यहाँ पर एग्जाम होगा आपका सेकंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सेल्स प्रमोशन और क्या कॉरपोरेट टैक्सन वेज एंड सेल एडमिनिस्ट्रेशन।
अब यहाँ पर आ जाता है बीए थर्ड ईयर रेगुलर का टाइम टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर इनका टाइम है, यहाँ पर टाइम तो मैंने आपको बताया नहीं, 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर इनका टाइम है बीए का, 11 से 2 बजे तक यहाँ पर एग्ज़ाम इनके चलने वाले हैं। ऊपर मैंने यहाँ पर बताया नहीं है, बीबीए का यहाँ पर 7 से 10 एएम तक यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर कह दिया था बीसीए का यहाँ पर जो है 7 से 10 एएम, सुबह से 7 से 10 बजे तक यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, और यहाँ पर बीकॉम का तो बता दिया था मैं 7 से 10 एएम इसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी एक ही इस पर जो है मैं सारे टाइम टेबल वगैरह बता रहा हूँ, क्लियर क्लियर बताने वाला हूँ, और लास्ट में एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। इनका टाइम है यहाँ पर 11 से 2 बजे तक के यहाँ पर एग्ज़ाम इनके होंगे चलेंगे। तो यहाँ पर तीनों पेपर, तो डेट तीनों पेपर नहीं, बीए थर्ड ईयर के यहाँ पर बात करें तो 18/5/2023 को यहाँ पर पेपर होने वाला है क्या, फिजियोलॉजी होम साइंस साइंस होम साइंस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट पेपर होने वाला है। और यहाँ पर बात करें 20/5/2023 की, तो यहाँ पर जो है इसका ही यहाँ पर जो है सेकेंड पार्ट का यहाँ पर पेपर होगा। और यहीं पर बात करें तीसरे नंबर पर 25/5/2023 को, तो यहाँ पर हिंदी लेक्चर क्या लेक्चर की बात करें तो यहाँ फर्स्ट पेपर होगा 23 को, और 25/5/2023 को यहाँ पर पेपर होगा हिंदी लिटरेट सेकेंड पेपर। और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आ जाता है 27/5/2023 को यहाँ पर होगा फाउंडेशन कोर्स का पेपर, चूँकि ये डिफरेंट है, यहाँ पर 27/5/2023 को यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर होगा, और 29 तारीख को यहाँ पर होगा फाउंडेशन का सेकेंड पेपर, और 30 तारीख को यहाँ पर इनका होने वाला है फाउंडेशन कोर्स का थर्ड पेपर। आठवें नंबर पर आ जाते हैं, वीडियो को आप रोक कर देख भी सकते हैं, आठवें नंबर पर आ जाता है 1/6/2023 को यहाँ पर सोशियोलॉजी थिंकर्स मतलब सोशियोलॉजी के यहाँ पर फर्स्ट पेपर होगा 1/6/2023 को, और वहीं पर 3/6/2023 की बात करें तो यहाँ पर इसका ही यहाँ पर जो है सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर होगा। दसवें नंबर पर आ जाता है क्या, 5 जून 2023 इंग्लिश उर्दू यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर होगा, और 7/6/2023 को यहाँ पर उसका जो है सेकंड पेपर होगा। और बारहवें नंबर पर आ जाता है क्या, 9/6/2023 इकोनॉमिक फर्स्ट पेपर होगा, और 13 नंबर पर आ जाता है क्या, 10/6/2023 संस्कृत का पेपर होगा फर्स्ट, 14/6/2023 को यहाँ पर होगा स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक का सेकंड पेपर। चलिए और आगे यहाँ पर देखने वाले हैं, काफ़ी लंबा टाइम टेबल वगैरह है, 14/6/2023 को यहाँ पर होगा हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, और 16/6/2023 को होगा हिस्ट्री का सेकंड पेपर, और यहाँ पर 17/6/2023 को होगा संस्कृत का सेकंड पेपर, और 19/6/2023 को होगा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, और 21/6/2023 को यहाँ पर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। और यहाँ पर 20 की यहाँ पर बात करें, 20 नंबर पर 23/6/2023 को यहाँ पर जियोग्राफी एंड म्यूजिक का फर्स्ट पेपर होने वाला है, और 26/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो सेकंड पेपर होगा जियोग्राफी और म्यूजिक वगैरह के। और वहीं पर 22 नंबर पर आ जाता है 28/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन फिलोसॉफी का फर्स्ट पेपर होगा, 23 नंबर की बात करें तो 30/6/2023 को कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजियोलॉजी का सेकंड पेपर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बीए के पेपर होने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के 11 से 2 बजे तक, तो आप देख लेना, वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 100+ लाइक होते हैं तो आपको बीए के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने अपलोड किया था बीएससी के सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए थे 2022 में मैंने अपलोड किया था इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप प्लीज़ देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी बीएससी के तो अपलोड ऑलरेडी मैं करता ही हूँ। तो बीएससी थर्ड ईयर का भी यहाँ पर टाइम टेबल फाइनली देख लेते हैं, तो 18/5/2023 को यहाँ पर बात करें तो पेपर होगा बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बात करें तो फर्स्ट पेपर होगा 18/5/2023 को, और 20/5/2023 को बात करें तो इसी का जो है सेकेंड पेपर होगा। आप थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, 20/5/2023 को यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड पेपर होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है 25/5/2023 को ट्यूसडे है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और सी टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा, और वहीं पर 25 तारीख की बात करें 25/5/2023 की तो इसी का जो है सेकेंड पेपर आपका होगा। अब 27 तारीख की बात करें 27/5/2023 की तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स
फाउंडेशन कोर्स के यहाँ पर पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर होगा आपका 27 को, सेकंड पेपर होगा आपका 29 को, थर्ड पेपर होगा आपका 30 को। और आठवें नंबर पर है 1 जून 2023 को, यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी का पेपर होगा फर्स्ट पेपर। और वहीं पर बात करें 3/6/2023 की तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और जूलॉजी का सेकेंड पेपर होगा। और दसवें नंबर पर आ जाता है 5/6/2023 को मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर होगा। ग्यारहवें नंबर पर आ जाता है 7/6/2023 को तो यहाँ पर फिजिक्स और बॉटनी का फर्स्ट पेपर होगा। और 9/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा फिजिक्स एंड बॉटनी का सेकेंड पेपर। अब यहाँ पर 13 नंबर के प्रश्न कह रहा हूँ मैं, पता नहीं IMP क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर मुँह में प्रश्न ही प्रश्न आता है। 13 तारीख की यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री और जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा। 14/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री जियोलॉजी का सेकंड पेपर। और 16/6/2023 की यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री का होगा थर्ड पेपर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके पेपर होने वाले हैं। ये था मतलब BSc थर्ड ईयर का टाइम टेबल, आप देख सकते हैं। और इनके यहाँ पर टाइम की बात करें तो 3 बजे से यहाँ पर 6 बजे तक की इनके एग्जाम चलने वाले हैं BSc वालों के। तो ये टाइम टेबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा यह वीडियो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी आपको मैं देता हूँ, फिर भी आप जो है सपोर्ट नहीं करते, 100+ आप इस पर लाइक कंप्लीट कराते हैं तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। ओल्ड पेपर भी देखने को मिलेंगे, IMP क्वेश्चन वगैरह, अभी मैं BSc का अपलोड करता हूँ तो सभी विषय के आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर नहीं तो काफ़ी सारे लोगों का एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर कमेंट आने लगेगा। एडमिट कार्ड आपके जो है पेपर मतलब पेपर लगभग में 18 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पर समथिंग आपके 15-16 तारीख को आपके जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, 15 से 16 तारीख तक, ठीक है। 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, तो देख लेना आप ऑनलाइन सेंटर से आप निकाल लीजिएगा, बाकी परेशान ना हो। 3 दिन बाद आपके जो है एग्ज़ाम से 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपके लगभग जारी हो जाएंगे। बाकी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। BSc के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ तो भाई देख लेना हमारे चैनल पर। बाकी अदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और BSc वाले भी सपोर्ट करें भाई, और लाइक वगैरह कर दें फटाफट फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। दिन रात एक कर दें पढ़ाई करें। वैसे आप राधाशंकर साहब, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आप रिजल्ट देखें, ये बहुत खतरनाक रिजल्ट देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे एग्ज़ाम दिए तो हम फिर बाद में कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप पेपर वगैरह भी खुला सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं दिया है तो आपका जो है रिजल्ट भी बेकार ही आएगा, फिर उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो देख लेना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छी मेहनत से, ठीक है। बाकी ये था टाइम टेबल, ठीक है। वीडियो पसंद आया, और अगर आपको कुछ लगता है कि भाई दीपक भाई हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं तो भाई सपोर्ट वगैरह कर दीजिएगा। बाकी बाय, बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब इतने में आप नहीं करते तो भाई फिर ठीक है, कुछ नहीं।